नमस्कार। बरसात के सीजन में शरीर पर होता हुआ फंगल इन्फेक्शन, चाहे वो गर्दन के आसपास फंगल इन्फेक्शन हो रहा हो या फिर आपके एक्सिलरी रीजन पर बगलों में फंगल इन्फेक्शन पनप रहा हो, या फिर जो ग्रॉइंस होते हैं आपके थाई के अपर थाई लेवल पर दोनों तरफ जो फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है और डार्क डिस्कलरेशन होना चालू हो जाता है, या फिर बहुत सारे लोगों की तो स्थिति ऐसी होती है कि चलने में जब दोनों थाईज आपस में एक तरीके से रगड़ती है तो उसकी वजह से स्किन कटना चालू हो जाती है, और स्किन पर जब कट्स बन जाते हैं ऐसे केस में अगर फंगस पनपता है तो निश्चित ही वो फंगल इन्फेक्शन थोड़ा ज़्यादा नुकसानदायक भी कभी कभी हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन यहाँ से जो ये तो ऐसी जगह हैं जहाँ पर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है या प्रॉपर सफाई नहीं हो पा रही है स्किन की, तो उसकी वजह से ये फंगल इन्फेक्शन दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ चला जाता है। अब ये फंगस किस तरीके से आपके शरीर में पनप रहा है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, और अगर आपको इस फंगस को हमेशा के लिए ख़त्म करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। सामान्य तौर पर लोगों के पसीने में बदबू आती है तो लोग डिओड्रेंट का यूज़ करना चालू कर देते हैं। अगर कमरे में ज़्यादा बदबू आ रही है तो कमरे में रूम फ्रेशनर्स का यूज़ करना चालू कर दिया जाता है। लेकिन बदबू आने का कारण जब तक आप ख़त्म नहीं करोगे तब तक आप अपनी जो ये समस्याएं हैं इन समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा नहीं पा सकते। तो आपको क्या करना चाहिए कि ये फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल भी ना हो, और अगर हो गए हैं तो आप इनको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। दो ही चीज़ें हैं, या तो नहीं हुए हैं तो ये हो नहीं भविष्य में, और अगर हो गए हैं किसी को तो ये ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर कभी ना हो। सबसे पहले हम देखेंगे एक बात जो बहुत पुराने समय से कही चली आ रही है, बात है नहाएं धोएं क्या हुआ जो अंदर मैल समाए। अगर अंदर मैल भरा हुआ है, मल भरा हुआ है, और हम ऊपर से शरीर को रगड़ रगड़ के धोते रहेंगे, साफ करते रहेंगे, तो पूरा आराम तो नहीं हो पाएगा। पूरा आराम कब होगा, जब आप शरीर में अंदर से शुद्धि करेंगे। जो कहावत है कि शुद्धौ देहा मनुष्यस्य सह जीवति वर्ष शतम्, कि अगर मनुष्य सिर्फ अपने देह की शुद्धि कर ले तो 100 वर्ष तक स्वस्थ जिंदा रहता है। अगर आपके शरीर में टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन होता है उसी की वजह से तो आपके शरीर में रोग पैदा होते हैं। आयुर्वेद की प्रसिद्ध कहावत है सर्वेषां रोगाणां निदानं कुपितः मलः, सबके सब रोगों का केवल एक ही डायग्नोसिस होता है, और वो है शरीर में मल का कुपित होकर के रुके रहना। प्राकृतिक चिकित्सा में भी पहली कहावत यही है सर्वे रोगः मलावसा, सब रोग सिर्फ शरीर में मल के वास करने से होते हैं। लंघनम परम औषधम, अगर आपको इन रोगों को ख़त्म करना है तो आपको लंघन का उपयोग करना पड़ेगा। लंघन का मतलब आप जो खा रहे हैं उससे कम खाएं, और कम खाएं, इतना कम खाएं कि आपका पूरा पाचन तंत्र बहुत जल्दी अपने आप को ठीक कर ले। पाचन तंत्र में आप कोई भी ऐसी चीज़ ना भरें जिसके पाचन में बहुत समय लग रहा है और वो पचेगा नहीं तो निश्चित ही सड़ेगा, और सड़ता हुआ खाना अगर आपके आहार तंत्र में बना रहेगा तो निश्चित ही धीरे धीरे करके वो रोग कारक हो जाएगा, रोगों को पैदा करेगा। आप कैसे इस जमते हुए मल को बाहर निकाल सकते हैं, और किस तरीके से आप बरसात के समय में जो मानसून का मौसम है उस समय में बढ़ते हुए फंगल इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आंतरिक शुद्धि की, क्योंकि शुद्धि जब तक आंतरिक लेवल पर नहीं होगी बाह्य शुद्धि आपके शरीर में कतई कोई फायदा नहीं कर सकती। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि आप शरीर के रोग के लक्षण का इलाज कर रहे हैं, और अगर आपको रोग को जड़ से ख़त्म करना है तो रोग की जड़ का इलाज होना चाहिए, ना कि रोग के लक्षण का। जड़ और लक्षण दो अलग अलग बातें हैं। रोग की जड़ जो है वो अलग है और रोग के लक्षण जो हैं वो कहीं और होते हैं। जैसे एक कमरे में ट्यूबलाइट अगर दूसरी दीवार पर जल रही है और इस वाली दीवार पर अगर स्विच है
स्विच अगर ख़राब हो जाता है, स्पार्क होकर के उसमें कहीं कोई ख़राबी आ जाती है, तो ट्यूबलाइट यहाँ बंद होती है। अब आप यहाँ ट्यूबलाइट को बदलते रहिए, नई और लगा दीजिए और नई लगा दीजिए, कितनी भी नई लगा दीजिए, कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, जो जड़ है, जो रूट कॉज है ट्यूबलाइट के बंद होने का, उस रूट कॉज पे आपको, उस स्विच को आपको बदलना पड़ेगा। उस स्विच में जो भी प्रॉब्लम आई है उसको आपको ठीक करना पड़ेगा, आपकी ट्यूबलाइट दोबारा से जलना चालू हो जाएगी। तो ठीक वैसे ही आपके शरीर में अगर कहीं गंदगी जमा हो रही है जिसकी वजह से कोई लक्षण आ रहा है रोग का, तो आपको उस जमी हुई गंदगी को निकालना पड़ेगा, रोग का लक्षण स्वतः ही शरीर से बाहर आ जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा गंदगी को निकालने के लिए, आप सवेरे जागते ही एक बार में 4-5 गिलास पानी पी लीजिए। अब ये 4-5 गिलास पानी सारे लोग पी सकते हैं, केवल जिनको किडनी में प्रॉब्लम है, जिनके पेट में पानी भरा हुआ है, या जिनको हार्ट की कोई समस्या है, हार्ट की कोई दवाइयाँ खा रहे हैं, उस केस में आपको पानी लगभग 350-400 मैक्सिमम 500 ml पीना चाहिए। बाकी लगभग 4-5 गिलास पानी सारे लोग पी सकते हैं। पानी पी करके 10 मिनट रुकेंगे, उसके बाद मोशन जाएंगे, तो पूरा का पूरा पेट एक बार में खाली हो जाएगा। उसके बाद पूरे दिन में कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी एक एक घूट करके पीना है। खाने में कोशिश की जाए कि उबली हुई सब्जी, ज़्यादा मात्रा में फल, और अगर संभव हो तो ज्वार की एक रोटी सवेरे और एक रोटी शाम को बहुत चबा करके खाई जाए, और खाने के आधे घंटे पहले और लगभग 40 मिनट बाद तक पानी भी ना पिया जाए। फिर आपने अच्छा खाना खाया, आपने सही मात्रा में पानी पिया, अब आपको व्यायाम करना है, तो व्यायाम में उतना व्यायाम करिए कि शरीर में से पसीना निकलना चालू हो जाए। तेज गति से प्रोफ्यूज्ड स्वेटिंग होनी चाहिए। अच्छे तरीके से अगर शरीर में से पसीना निकलता है तो पसीने के रूप में भी शरीर की गंदगियाँ बाहर आती हैं, त्वचा के रोम छिद्र बिल्कुल खुले रहते हैं, तो त्वचा पर जो फंगल इन्फेक्शन हो रहा होता है, शरीर में से टॉक्सिन्स जो त्वचा के माध्यम से निकल के बाहर आना चाह रहे हैं, जब वो नहीं निकल पा रहे होते हैं रोम छिद्रों के माध्यम से पसीने के रूप में, तब फिर वो शरीर में किसी भी जगह से फोड़े फुंसी कराते हुए गंदगी निकलना चालू हो जाती है। और ऐसे केस में अगर फंगस का कॉन्टैक्ट होता है तो वहाँ स्किन पर फंगल इन्फेक्शन भी, सर्कमस्क्राइब्ड जो सर्कुलर लीजन्स बनते हैं, फंगल इन्फेक्शन में एक बहुत क्लासिकल साइन होता है, फंगल इन्फेक्शन कैसे होगा, एक सर्कुलर लीजन बनेगा, एक गोल सा चकत्ता बनेगा, और उस चकत्ते के चारों तरफ के जो एजेज है ना वो थोड़े फूले हुए रहेंगे, बीच का हिस्सा जो है ना वो दबा हुआ रहेगा। तो ये जो लीजन है, सर्कमस्क्राइब्ड लीजन होता है, इसको फंगल इन्फेक्शन का लीजन ही बोला जाता है। आपको इसके लिए, ये तो हो गए इंटरनल ट्रीटमेंट, अब आप पेट पर मिट्टी की पट्टी और एनिमा का उपयोग अगर कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट माना जाता है। हल्के गुनगुने पानी में या ठंडे पानी में आप 15 से 20 मिनट के लिए अगर बैठते हैं तो ये ट्रीटमेंट भी बहुत इफ़ेक्टिव माना जाता है। आप एक्सटर्नल जो क्लीनिंग है उसके लिए नीम के या डेटॉल के या फिर बीटाडीन के पानी से पूरे शरीर पर 10 से 15 मिनट के लिए गीले कपड़े से मोपिंग कर सकते हैं, पोंछा लगा सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव प्रोसेस रहेगा। आप एक चीज़ और कर सकते हैं, वो है आप मिट्टी, काली वाली मिट्टी जो होती है उसमें थोड़ा सा आप हल्दी और थोड़ा सा अगर पॉसिबल हो जाए तो आप नीम के पत्तों की चटनी उसमें मिला लीजिए और उसको अच्छे तरीके से पूरे शरीर पर लेप करिए, 15 से 20 मिनट उसको सुखाइए, उसके बाद फिर आप उसका थोड़ा पानी डाल करके हल्के हाथ से मलते हुए उसको शरीर से हटा दीजिए। दिन में एक बार ये कर सकते हैं, इससे आपका सिम्टम तो ख़त्म हो जाएगा, रोग तो तभी ख़त्म होगा जब आपका इंटरनल क्लीनिंग होगी। इंटरनल क्लीनिंग प्रॉपर हो जाएगी तो आपका रोग बिल्कुल धीरे धीरे करके ख़त्म होना चालू हो जाएगा। अब आप देखें कि आपने एक्सटर्नल क्लीनिंग कर दी, आपने इंटरनल क्लीनिंग के लिए खूब चबा के खाना खाया, मोटे आटे की रोटी, उबली हुई सब्जी खाई, फल ज़्यादा मात्रा में और उबले हुए सलाद को ज़्यादा मात्रा में खाया, आपने पानी खूब सारी मात्रा में पिया, आपने खूब अच्छा तरीके से व्यायाम किया जिससे शरीर में से पसीना भी खूब सारा निकला। अब इतना करने के बाद आप ये कोशिश करेंगे कि शरीर में जो भी आपने खाया है उसका अंश मात्र भी शरीर में रुका हुआ ना रहे, पूरे तरीके से आते हैं एक बार में खाली हो जाया करें। इसके लिए जागते ही एक बार में 4 गिलास पानी पीना सर्वोत्तम उपाय माना जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि कैसे भी करके आप खूब सारा प्राणायाम करें,
ताकि पूरे शरीर में, शरीर के हर कोने में ऑक्सीजन का सेचुरेशन अच्छे तरीके से हो, पूरे शरीर में, पूरे शरीर के हर कोने में ऑक्सीजन अगर अच्छी मात्रा में पहुंचेगी तो निश्चित ही शरीर का हर हिस्सा पूरे तरीके से शरीर के रोगकारक रोगाणुओं के अगेंस्ट लड़ने के लिए एक्टिव रहेगा। धीरे धीरे करके आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। फंगस आपकी बॉडी पर आएगा ज़रूर, लेकिन वो इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा होना चालू हो गया तो निश्चित ही आप इस फंगल इन्फेक्शन के घेरे से बाहर आ जाएंगे। और फंगल इन्फेक्शन का घेरा कम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इसमें थोड़ा सा डाइट में मैदा, बहुत ज़्यादा मात्रा में तली हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा मात्रा में मसाले, कोशिश करिए कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम या दूध का उपयोग भी अगर ना किया जाएगा तो ये बहुत जल्दी धीरे धीरे करके समस्या ठीक हो जाएगी। ये खाने का हो जाता है। व्यायाम में पसीना निकालने वाला कोई भी व्यायाम कर सकते हैं। प्राणायाम में अनुलोम विलोम और डीप ब्रीदिंग बहुत अच्छा है। ट्रीटमेंट में नीम के बीटाडीन के पानी से पूरे शरीर को पोंछना, आप कभी कभी पेट का गर्म ठंडा सेक और एनिमा कर सकते हैं, या फिर पेट का गर्म ठंडा सेक करके मिट्टी की पट्टी रख के एनिमा कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा इलाज है। नीम के पानी से या बीटाडीन के पानी से पूरे शरीर को अच्छे तरीके से रगड़ के पोंछा जा सकता है। उसके बाद फिर आप पसीना निकालने वाला कोई भी इलाज, जिसमें गर्म पाद स्नान या गर्म बैठक स्नान या गर्म कटी स्नान का उपयोग करके आप पूरे शरीर की गंदगियों को शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। अगर ये भी हो जा रहा है तो निश्चित ही आपकी जो ये संबंधित समस्याएं हैं ये धीरे धीरे करके ख़त्म होना चालू हो जाएंगी। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो में बताई गई बातें आपको पसंद आएँ तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि बरसात के समय में बढ़ते हुए फंगल इन्फेक्शन को पूरे के पूरे लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ करके ख़त्म कर लें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।